बात करेंगे हमारे 30 घन मीटर के बायोगैस प्लांट के बारे में। हमारे इस बायोगैस प्लांट के मॉडल को गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के हेतु से डिजाइन किया गया है। इस बायोगैस प्लांट को चलाने के लिए रोजाना 750 किलो गोबर की आवश्यकता रहती है, यानी कि 75 से 80 पशुओं की गौशाला में यह बायोगैस प्लांट आसानी से चल सकता है। इस बायोगैस प्लांट में रोजाना 750 किलो गोबर और 750 लीटर पानी का घोल बना के फीडिंग करना रहता है। यह आसानी से हो पाए इसलिए इस बायोगैस प्लांट के साथ में सबसे पहले मिक्सिंग टैंक दी गई है, जिसमें सारा गोबर कलेक्ट किया जाता है और गौशाला को दोने का या गौमूत्र का जो भी कलेक्शन आता है वो भी सीधा इसमें कलेक्ट किया जाता है। कलेक्शन टैंक यानी मिक्सिंग टैंक में कुल 2 टंकियाँ दी गई है। एक टंकी पे गियर मोटर वाला बिलोना लगाया गया है जो कलेक्ट किए गए गोबर और पानी को मिक्स करके गोल बनाता है, और दूसरे मिक्सिंग टैंक में स्लरी पंप दिया गया है जो बने हुए गोल को आसानी से लिफ्ट करके बायोगैस प्लांट में फीड करता है। इन दोनों मिक्सिंग टैंक के बीच में एक जाली लगाई गई है जहाँ सारा कचरा रोक के निकाल लिया जाता है। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टर के बारे में। इस बायोगैस प्लांट में 5 क्यूबिक मीटर के कुल 6 डाइजेस्टर लगाए गए हैं और हर 2 डाइजेस्टर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इन सभी डाइजेस्टरों में CSTR टेक्नोलॉजी के मुताबिक बिलोने लगाए गए हैं जिनको फीडिंग के समय पे 3-4 बार घुमाने से ऊपर होने वाला सारा स्कम टूट जाता है और गैस का प्रोडक्शन अच्छे से होता है। अब हम बात करते हैं प्लांट से मिलने वाले रबड़ी रूपी खाद के बारे में। इस बायोगैस प्लांट में 750 किलो गोबर और 750 किलो पानी यानी 1500 लीटर कुल मटेरियल फीडिंग किया जाता है। उसके सामने हमें 1500 लीटर रबड़ी मिलती है जिससे 100 एकड़ में विषमुक्त खेती हो सकती है। इस बायोगैस प्लांट से मिलने वाले रबड़ी रूपी खाद को एक पाइप के थ्रू GRP मटेरियल से बने टैंकर तक लाया जाता है, जिससे कि इस खाद को आसानी से खेत तक पहुंचाया जा सके। इस जगह पे टैंकर के साथ साथ एक और स्टोरेज टैंक दिया गया है जहां पे रबड़ी को कलेक्ट किया जाता है और पानी के साथ सीधा खेत में छोड़ा जाता है। और साथ ही साथ इस बायोगैस प्लांट में रोजाना 100 लोगों का खाना हो सके उतना गैस मिलता है, यानी कि रोजाना 1 LPG सिलेंडर जितना इसमें से गैस मिलता है। इस बायोगैस प्लांट से मिलने वाले गैस को कलेक्ट करने के लिए प्लांट की क्षमता के अनुसार बायोगैस प्लांट के साथ एक स्टोरेज टैंक दिया जाता है, और इस बायोगैस को सगड़ी पे यूज करने के लिए साथ में बूस्टर पंप दिया जाता है जो बायो स्टोरेज टैंक से गैस को खींच के सगड़ी तक प्रेशर से पहुंचाता है और यूनिफॉर्म प्रेशर देता है।